कितनी तरह के फीवर का नाम आप रोज़ सुनते होंगे, येलो फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगी और ना जाने क्या क्या। इस लिस्ट में एक और फीवर का नाम ऐड कर लीजिए, क्योंकि आजकल इस फीवर की चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है और इस बुखार का नाम है मंकी फीवर। अ ट्राइबल यूथ नेम्ड सुंदरन वॉज डायग्नोस्ड विद मंकी फीवर एंड वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम एट कोझिकोड मेडिकल कॉलेज फॉर द लास्ट 10 डेज। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑन लास्ट संडे। खबरों की माने तो साल 2019 में अब तक ऐसे 6 केसेस वायनाड नामक गांव में दर्ज हो चुके हैं। यही नहीं, आंकड़ों की माने तो साल 2018 में 19 मामले दर्ज हुए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मंकी फीवर कब और कैसे होता है। मंकी फीवर को क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ टिक बॉर्न वायरल हेमोरहेजिक फीवर। ये कोई कंटीजियस डिजीज नहीं है। ये बीमारी इंसान को तब होती है जब वो किसी बंदर के कांटेक्ट में आता है जो इस बुखार का पहले से ही शिकार हो। मंकी फीवर पहली बार 1957 में लोगों के सामने आया था। दिस केस हैज बीन फाउंड इन द एरियाज ऑफ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। वहीं भारत की बात की जाए तो ये गोवा, कर्नाटक और केरल में पाया गया है। ये वायरस अधिकतर नवंबर से मार्च के महीने में एक्टिव रहता है। इस बीमारी की चपेट में सबसे पहले बंदर आए थे और कुछ साल पहले अचानक से कर्नाटक के जंगल में बंदरों की संख्या कम होने लगी, जिसके बाद रिसर्च में पता चला कि ये एक तरह का वायरस है जो केवल बंदरों को ही नुकसान पहुंचा रहा था। जैसे ही किसी बंदर का इस वायरस से कॉन्टैक्ट होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। ये वायरस पहले सिर्फ बंदरों को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब इंसान भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। दूसरे बुखार की तरह मंकी फीवर में भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी एक, वीकनेस इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल होने लगे तो नोज़, माउथ और गम से ब्लीडिंग भी होने लगती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक सामने नहीं आया है। डॉक्टर्स इसकी ट्रीटमेंट पर प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं। या तो ये बीमारी कुछ हफ्तों में ही ठीक हो सकती है या कई महीने भी लग सकते हैं। इसीलिए हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें, वैक्सीनेशन लें और टिक इन्फेक्टेड जानवरों से बचें।